तो कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने सी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बच्चन दिग दुबे में। अच्छा, छत्तीसगढ़ शासन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा कुछ वैकेंसीज को जारी की है, ठीक है। अभी औपचारिक रूप से आना बाकी है, पर एक सहमति पत्र में साइन हस्ताक्षर हो चुका है, जिसमें खाद्य निरीक्षक की 84 पद, शीघ्र लेखन वर्ग के 1, स्टेनोग्राफिस्ट के 1, सहायक ग्रेड 3 के लगभग 4 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 91 पोस्ट आना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, उसकी जानकारी अभी ऑफिशियली साइड में, मतलब सीजी व्यापम की साइड में नहीं मिला है। तो अभी ऐसा है कि ये पोस्ट आने ही वाला है, बहुत जल्द ही आएगा, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आगे इस वीडियो में होगा, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसके बारे में बता दूंगा। और इस पेपर का जो भी अधिनियम है, 1 से लेकर 200 नंबर का है, जिसमें आपको 150 नंबर तो कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन 50 नंबर अधिनियम से रिलेटेड रहते हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो अभी सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा, ये 2017 का पाठ्यक्रम है, और भविष्य में भी 2021 में जो होने वाला है फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसमें भी सेम सिलेबस ही रहता है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है मिनिमम, बट सेम ही रहेगा। जैसे सामान्य ज्ञान से 150 अंकों का, जिसमें आपका गणित रहेगा, विज्ञान, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, संविधान, छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में संबंधित जानकारी, जैसे छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा, वहाँ के प्रमुख राजनेता कौन थे, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, ये सारी चीज़ें। और एक होता है समसामयिक घटना, जिसमें आप करेंट अफेयर में जो विगत 1 वर्षों से जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी होनी चाहिए। ये तो रहा 150 नंबर का। अब बाकी 50 अंकों का जो पेपर होना है वो अधिनियम से संबंधित है, और साथ ही उसमें कंप्यूटर का ज्ञान भी समेकित है। अच्छा, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 में आया था, उसका आपको पूरा धारा पढ़ना है, जिसमें 17 धाराएं हैं, वो एक अलग से क्लास में होगा, उसका पूरा एक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी, जो CGPSC के पेपर नंबर 7वां के भाग 1 के मेंस के सिलेबस में है, तो वर्तमान में जो संशोधन हुआ उसमें। अच्छा, उसके बाद है कंप्यूटर संबंधित ज्ञान, और सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जो 2012 में पूरे भारतवर्ष में खाद्य को एक अधिकार देने वाला प्रथम राज्य था, ये पूरे भारत में लागू किया इसी के तर्ज में। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छा लगे तो शेयर करें, और याद रखें इसमें जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और खाद्य संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा एक सीरीज के रूप में। अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।